हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हंसनबर्ग इन 1927। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर the position and momentum of a small particle simultaneously with greater accuracy. मतलब किसी भी छोटे पार्टिकल का अगर पोजीशन और मोमेंटम हमें इकट्ठा एक साथ फाइंड आउट करना हो तो वो जो है ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर एक ज़्यादा एक्यूरेट आएगा तो दूसरा क्या होगा, लेस एक्यूरेट। क्या मैथमेटिकली जो है हंसनबर्ग ने बोला द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट दैट इज h/4π। एज वी नो पी क्या होता है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो डेल्टा पी क्या होएगा हमारे पास, एम डेल्टा वी, बिकॉज एम तो कॉन्स्टेंट होता है ऑलवेज किसी भी बॉडी का। सो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई एम डेल्टा वी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। ठीक है, और डेल्टा एक्स और डेल्टा वी को एक साइड छोड़ दिया कॉन्स्टेंट टर्म्स को, सभी को दूसरी साइड लेके फॉर्मूला बिकम्स h/4πm। That is a mathematical formula for Hansenberg uncertainty principle। जैसे डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का जो है सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए होता है, सिमिलरली इट हैज़ सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। लेट अस डिस्कस हाउ। हमने जो है एक केस वन मान लिया जहाँ पे पार्टिकल माना हैविंग मास वन मिलीग्राम, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू -6 kg। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन निकालना है, दैट इज इक्वल टू h/4πm। वैल्यू पुट कर दी 6.626 × 10⁻³⁴ / 4 पाई हैज़ वैल्यू 3.14, मास 10⁻⁶। जब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻²⁸। जो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, इन स्मॉल विच कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट्स वाई जो है ये एक बड़े पार्टिकल के लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए फेल हो गया केस। नाउ केस टू में हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं विच इज़ हैविंग मास 9.1 × 10⁻³⁶ kg। इसके लिए प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4πm। वैल्यू पुट कर दी 6.626 × 10⁻³⁴ / 4 × 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁶। ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आती है 10⁻⁴ के, विच इज़ नॉट ए स्मॉलर वैल्यू, इट कैन बी मेजर्ड ईजली। दैट्स वाई हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं दैट हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज़ सिग्निफिकेंस ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। यहीं से हम एक और चीज़ भी एक्सप्लेन कर पाते हैं दैट इलेक्ट्रॉन, वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। द
तो अगर माना इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो न्यूक्लियस के डायमीटर के बीच में होना चाहिए, तो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10^-15 मीटर इस ऑर्डर का। तो हम पुट कर लेते हैं वैल्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच वाई 4πm इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू पुट कर देते हैं 6.626 × 10^-34 4 × 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10.1 × 10^-31 एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-15। जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं इट कम्स टू बी 5.77 × 10^10 m/s। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है दैट इज़ मच ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि हमारे पास होती है वैल्यू 3 × 10^8 m/s। दैट मीन्स हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी, एक इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता।